अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निभाएंगे अपना फर्ज। लेकिन सिर्फ तुम्हारी छोटी मां के कहने पर तुम्हें आखिरी मौका दे रहा है। इस बार अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें जिंदगी में कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे हम, पक्का। अब सुन रहे हैं ना पापा? पापा, बस एक बार हमारा नाम लेकर पुकारिए ना पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज। मौली, अभी नहीं। देखा भोलेनाथ, आज आज हमारे पापा ने हमसे बात की। भले उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, पर वो कहते हैं ना, सब कुछ एक साथ थोड़ी मिल जाता है। पर देखिएगा, धीरे धीरे वो हमारा नाम भी लेंगे। जानते हैं भोलेनाथ, पंडित जी कह रहे थे कि कन्यादान करते वक्त पिता को बेटी का हाथ अपने हाथों में लेना होता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि कन्यादान करते वक्त हमारे और हमारे पापा के बीच के सभी रिश्ते जुड़ जाएंगे। जय भोलेनाथ। भोली मौली, कन्यादान के बाद तुम्हारे पिता से तुम्हारे रिश्ते जुड़ेंगे नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगे। जाओ, जाकर निभा लो दोस्ती, जितने भी दिन बचे हैं तुम्हारी फ्रेंड मौली के पास जाओ। समझ नहीं आ रहा कि माँ कौन सी पहेली बुझा के चली गई। आखिर उस घर में चल क्या रहा है? खैर जो भी हो, मौली तो मुझे सब बता ही देगी। अरे बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। बेटा थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो? कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबूजी, अभी आता हूँ। बिहान, हम जानते हैं कि तुम्हारा समय तुम्हारे लिए बहुत कीमती है बेटा, लेकिन एक विनती है तुमसे। अजी, हिचकिचाना कैसा? बिहान तो हमारे बेटे जैसा है, तभी तो हम उसके कॉलेज से लेकर मोटरसाइकिल तक का खर्चा उठाते हैं। अब क्या हमारा बेटा हमारे लिए इतना सा काम नहीं करेगा? ऑफ कोर्स छोटी माँ,
आप कहिए तो सही, क्या काम है? बात दरअसल ये है बेटा, बेटा हम चाहते हैं शादी की तैयारी कोई अपने परिवार का आदमी ही करे। बड़े बाबू जी, शादी की तैयारी कोई भरवाला कर भी नहीं सकता, पर शादी है किसकी? मौली ने तुम्हें बताया नहीं? मुझे तो लगा था कि मौली सबसे पहले तुम्हें ही बताएगी। और किसकी? मौली की शादी, मौली की शादी, मौली की शादी। छोटी माँ, मैं जानता हूँ कि मुझे ये कहने का हक नहीं है, बट मुझे लगता है कि उससे एक बार इस बारे में पूछ लेना जरूरी है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम मौली से बिना पूछे इसकी शादी करेंगे? बिहान, मौली ने खुशी खुशी हाँ कर दी है, ने खुशी खुशी हाँ कर दी है। पाओगे ना? ठाकुर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मौली की शादी की तैयारी बिहान से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिहान ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है, है ना? जी छोटी माँ, आप लोग आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। धन्यवाद बेटा, तुमने हमारी सारी चिंता खत्म कर दी। अच्छा मैं चलता हूँ। हम चाहते हैं शादी की तैयारी कोई अपने परिवार का आदमी ही करे। पर शादी है किसकी? मौली ने तुम्हें बताया नहीं? और किसकी? मौली की शादी। मौली ने शादी के लिए हाँ कर दी, पर मुझसे एक बार बात तक नहीं करी। मैं उसका एक लौता दोस्त हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है? टंकू भोलेनाथ, आज आपने हमारी जिंदगी का सारा गलत सही कर दिया। आज आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, बिहान सुनेगा ना तो। हम भी कैसे भुलक्कड़ हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और हमने बिहान से इस बारे में कोई बात ही नहीं की। वो क्यों बात करेगी मुझसे? उस पर घमंड आ गया होगा ना ठाकुर साहब की बेटी होने का। गलती मेरी है, तो मैं पिछले 18 साल से उसे अपना दोस्त समझ रहा था। ये अमीर लोग किसी के दोस्त नहीं होते। ठीक है, मैं भी आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं। कल सुबह सुबह हम सबसे पहले बिहान से ही बात करेंगे। खूबी कितना खुश होगा ना ये बात सुनकर, हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो है। देखना बिहान, कल सुबह होते ही हम टपक पड़ेंगे तुम्हारे पास। देखिए मस्त मौली सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।